नमस्कार। तो आज के इस व्लॉग में हम जाएंगे माथेरान। तो माथेरान मुंबई की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है और माथेरान जाने के लिए विरार से सुबह ट्रेन पकड़ी थी 4:13। गुड मॉर्निंग फ्रॉम 4 बजे वाली मुंबई से हम लोग भाग भाग के आए क्योंकि हमें ट्रेन पकड़नी थी 4:13 की। और विरार से हम गए थे दादर और दादर से हमने ट्रेन चेंज करके हम गए थे नेरल। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए अभी नेरल स्टेशन और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं माथेरान और सनराइज हो चुका है। ठंड है बहुत, ठंडी का मजा लेंगे, चलते। हमारा लक बैड है, हम लोग ट्रेन में जाने वाले थे बट ट्रेन बंद है आज, अब कैसे जाएंगे, अब टैक्सी में जाना पड़ेगा। तो ट्रेन तो सुना है कि बहुत पहले से ही बंद है तो अभी हम लोग जाएंगे टैक्सी से। टैक्सी यहाँ बहुत सारी मिलेगी हमें, बहुत सारी मतलब मिलेगी। तो जोगिंग छोड़ो, चलते हैं टैक्सी ढूंढते कहाँ पे। सो फाइनली वी आर इन माथेरान। यहाँ पे सिर्फ टैक्सी दिखेगी क्योंकि ट्रेन जो है वो पटरी खराब होने की वजह से रास्ता बंद है। तो चलते हैं। सुबह सुबह का मौसम, ठंडी ठंडी का मौसम, बेस्ट मौसम माथेरान विजिट करने का। अब तक मैं जब यहाँ पे आ रहा था तो मुझे लगा कि यहाँ पे क्या होगा, मैं क्या बोलूं, लेकिन जो शांति यहाँ पे दिख रही है, ये पीछे आपको ये जो जंगल दिख रहा है सब जगह सब साइड में, इतनी शांति यहाँ पे, मजा आ रहा है। ठंडी का मौसम, पब्लिक है फिर भी और शांति है। और अच्छा हो हम लोग आज मंडे के दिन आए और शांति है, बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है, सच में वर्थ है यहाँ पे आना। तो हम लोग को पता नहीं हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, बस बहुत सारे लोग जा रहे हैं तो हम लोग भी जा रहे हैं। और इतना खूबसूरत लग रहा है ना, महाराष्ट्र में एक्चुअली काली मिट्टी है पर यहाँ पे काली नहीं लाल है, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में काली मिट्टी पर यहाँ पे लाल मिट्टी है, वो बहुत खूबसूरत लग रही है। नीचे लाल है मिट्टी, ऊपर हरा भरा, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन हरा और लाल का अच्छा ही लगता है, बस वही कहना चाहता हूँ। ये डबोल है, इसको कुछ पता नहीं चलता। और बड़ी ब्यूटीफुल मौसम, और इस अच्छे खासे मौसम में मैं आपका हरीश प्रजापति ब्लॉगिंग करते हुए जा रहा हूँ ऊपर। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लगभग 36 पॉइंट्स हैं, पता नहीं कौन सा पॉइंट हमें दिखने को मिलेगा पर जो भी मिले अच्छा मिले। बहुत सारे पॉइंट्स है तो हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कौन से पॉइंट्स पे जाए, गार्बेट पॉइंट, मंकी पॉइंट तो नीचे खाई में बता रहा था, ये बाजार पेट है, हम लोग बाजार पेट साइड में जा रहे हैं। तो बाकी जगह देखो यार बॉस, ऐसा लगता है मुझे माहौली जाना ही नहीं चाहिए था, माहौली से पहले यहाँ पे आना चाहिए था बस, लेकिन माहौली मजा था, दिस ब्यूटीफुल प्लेस। हम लोग कब से चल रहे हैं, अब तो ये भी पॉइंट दिखा नहीं है, ऑफकोर्स बहुत दूर दूर रहेंगे लेकिन बहुत मतलब जबरदस्त खूबसूरत जगह है। और यहाँ पे बहुत सारे विलास है, रास्ता देखो ना कितना अच्छा लगा, मतलब वो देखो मूवीज में दिखता है हमें, अब तक तो हमने एक भी फोटोज क्लिक नहीं किया ना, यहाँ रिकॉर्ड है, सिर्फ वीडियोज क्लिक कर रहे हैं क्योंकि ऑफकोर्स वीडियोज। सब लोगों का थैंक यू सो मच, आपकी कमेंट्स इतने अच्छे अच्छे आते हैं यूट्यूब पे आजकल, तो ऐसी ऐसी कमेंट्स किया करो यार, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और बाय द वे इस साइड में मंकी पॉइंट है और हार्ट पॉइंट है, इस साइड में चलते हैं साइड में।
चिड़ियों की बहुत मस्त आवाज़ आ रही है। फाइनली हम लोग एक पॉइंट पे तो पहुंच गए, ये है मंकी पॉइंट। वाओ व्हाट अ लवली प्लेस मैन। कुछ भी नहीं है यार मामूली इसके सामने, कुछ भी नहीं यार, क्या जबरदस्त व्यू है, बहुत खूबसूरत जगह है। ये है मंकी पॉइंट और फाइनली हम लोग मंकी पॉइंट पे पहुंचे और अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा फोटोज क्लिक करेंगे। बैरियर्स लगाए गए ताकि हम लोग गिरे ना, और घर बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं, वो नदी दिख रही है मुझे यहाँ से। और वाओ तो अभी हम लोग मंकी पॉइंट में तो घूम के हो गया अपना, और अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे किसी पॉइंट पे, बाकी हाफ रहे क्योंकि ठंडी है और मीठी मीठी ठंड है यार, वो वाली ठंड नहीं है। मैं स्वेटर लेके आया था, स्वेटर की जरूरत भी नहीं पड़ी। वहाँ क्या जगह है यार, आने का रास्ता तो देखो, नया बीच में नहीं होता ना तो मस्त मजा आता। अभी हम लोग पहुंचे हैं एक और पॉइंट के पास, माल डूंगा, मतलब अगर एल की जगह पे आर होता तो मार दूंगा पॉइंट, एंड दिस इज द वे टू गो फॉर माल डूंगा, मार दूंगा। मेरा कैमरा यहाँ पे कैसा पड़ा है जैसे कि लावारिस, मैं वीडियो निकालने के चक्कर में मैंने कैमरा को यहाँ पे लावारिस रखा था ये वाला शॉट लेने के लिए, एंड मैंने शॉट ले लिया। चलो मुझे लगा लेक है, लेक नहीं है बट लेक भी बहुत अच्छा होगा। मालडूंगा पॉइंट है, सॉरी। वाह ये भी अच्छा है, मालडूंगा पॉइंट। वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, पर यहाँ बैरियर्स नहीं है, अगर आप यहाँ पे गिर सकते हो थोड़ा खतरनाक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस यार, जगह देखो। तो ये है मालडूंगा पॉइंट, ये पीछे का पहाड़, और ऐसा लग रहा है मैं गिर जाऊंगा, डर नहीं लग रहा है पर बैरियर्स होने चाहिए यहाँ पे जो कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रहा हूँ, तब से चल रहे थे, और 9:30 बजे मैं नीचे जो खाई दिख रही है आपको बताता हूँ, और मैंने कहा कि यहाँ पे बैरियर्स नहीं है, यहाँ पे देखो ये जो खम्भे लगाए गए। ये सब झरने यहाँ पे, यहाँ पे और वो वाले पहाड़ पे नहीं जैसा बॉटल बटे श्री नाद में तो नरे अपनी बॉटल यहाँ पे भूल गया था, नरे अपनी बॉटल भूल गया था, बंदर के हाथ में थी। थैंक यू बाय, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है पढ़ लीजिएगा। तो अभी हम लोग फोटोज क्लिक किए और नाश्ता कर नहीं पाए इस बंदर की वजह से। बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस, वापस पता नहीं कब आएंगे इस पॉइंट पर। बाय बाय बंदर, फिर मिलेंगे और चलते। तो दो पॉइंट्स हो गए और सनसेट पॉइंट जा रहे हैं हम लोग, सनसेट का टाइम नहीं है पर फिर भी हम लोग देख के तो ऐसा क्या है सनसेट पॉइंट पे, लेकिन बहुत दूर है तो फिर बस चलते। सनसेट पॉइंट पहुंच गए, मेरे पीछे हम लोग बहुत अच्छी वाले हाइट पे है और कोहरा इतना है तो सब ब्लू ब्लू दिख रहे हैं नीचे का, जबरदस्त। यहाँ पे ना हॉरर फिल्म शूट करनी चाहिए, ये शायद चींटी के जो होते हैं चींटी के घर। ये है जगह, वाह जबरदस्त, वो छोटे छोटे घर दिख रहे हैं मुझे यहाँ से। इस जगह पे आने के लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम लगा, तीनों पॉइंट में सबसे बेस्ट पॉइंट ये था, और फोन में नेटवर्क भी नहीं है।
अच्छा दूसरा पहाड़, वाह नरिया जबरदस्त यार, जबरदस्त चीज है। मेरे पीछे जो दिख रहा है ना पहाड़, मेरी धूप की वजह से मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, बट बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर ना तो कोई बंदर आएगा ना कोई आएगा। तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं आने वाला। वो देख दो टॉवर वहाँ पे। सो सनसेट पॉइंट पे थे, सन जो है मेरे ऊपर है, चलते ही शाम को वहाँ पे आता है और वो साइड में डैम है और पूरा खुली जगह है। ऑफ कोर्स यहाँ पे सनसेट अच्छा ही दिखेगा, इसीलिए इसका नाम है सनसेट पॉइंट और बहुत अच्छी जगह है। तो हम लोग यहाँ पे जब आ रहे थे तो वहाँ पे जो आंटी दिखी थी, वो आंटी और उनका जो साथ जो छोटा बच्चा था, वो उस जगह की साफ सफाई कर रहे थे। जो लोग यहाँ पर आके कचरा फैलाते हैं, और प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कहीं पे भी ऐसी इतनी खूबसूरत जगह पे अगर कहीं पे जा रहे हो, तो मैंने पहले भी कहा है और अब भी कहता हूँ कि गंदा मत करिए, जो भी कचरा है अपने बैग में वापस लेके जाइए घर पे, क्योंकि आपका कचरा कोई और साफ करे ये अच्छी चीज नहीं लगती। अगर आप साफ नहीं कर सकते तो गंदा भी मत। हाँ, वो आंटी को क्या पड़ी कि वो जगह को साफ करे, किसी और का कचरा था। इधर की नहीं थी, फॉरेन, वो इंडियन भी नहीं थे, वो फॉरेनर थे। कोई सोचो दूसरे देश, वो छोटा था और दूसरे देश के लोग आके हमारे देश को साफ करने की इतनी सोच उनके अंदर है, पर हमारे अंदर ये सोचने साफ तो मत करो, पर यार गंदा भी तो मत करो। गंदा करने की सोचा, साफ करने की नहीं। हम लोगों ने भी स्नैक्स किया, पर हमने अपना सामान जो भी था पेपर वगैरह वो साथ में वापस बैग में लिया। बस बाकी मैसेज सब लोगों को फैलाओ यार, इतनी खूबसूरत जगह को हम लोग गंदा करेंगे तो क्या बचेगा फिर। चलो चलते। जो रास्ता है वो बाजार पेट का रास्ता है, तो बाजार पेट चलते हैं। आगे जाके ऐसा हाँ। लेप मारने का। अच्छा तो डायरेक्ट जाएगा, डायरेक्ट कहाँ पे लेके आएगा? अच्छा हाँ, सब कहाँ लेकिन उसमें चल रहा है ना? हाँ चल रही है ना, तो बहुत राउंड है। हम लोग घूमते रहते हैं ऐसा। तो अभी हम लोग पहुँचे बाजार पेट और यहाँ से हम लोग जाएंगे बाकी। आप ही यहाँ पे सात पॉइंट है कुछ, यहाँ से काका है हमारे साथ में, काका ने हमको बोला कि यहाँ से आगे कुछ सात पॉइंट घूमेंगे, सात अलग अलग जगह पे पॉइंट है वैसे। और ये यहाँ का मार्केट है ऊपर बाजार पेट। मार्केट कुछ ज्यादा ही लंबा था। सेवन पॉइंट्स में जो सबसे पहले हम जो इस जगह पे जाते हैं उसका नाम है और शार्लोट लेक। तो ये है शार्लोट लेक, हम लोग पहुंच गए वो साइड में है शार्लोट लेक, और ये है शार्लोट पॉइंट। पहले हम लोग शार्लोट लेक जाते हैं, लेक फिर पॉइंट। शार्लोट लेक साइड में, तो ये है लेक और लेक पॉइंट से अभी हम जा रहे हैं लॉर्ड पॉइंट। तीर्थलगढ़ नरिया, अरे भीड़ क्यों है? ये और वो लॉर्ड पॉइंट दोनों से एक ही जैसा व्यू आता है। शार्लोट लेक, शार्लोट पॉइंट और सिलिया पॉइंट। अभी हम लोग जा रहे हैं एको पॉइंट। तो ये है एको पॉइंट, और ये जो मेरे पीछे ये पहाड़ दिख रहा है ना, ये वाला पहाड़, उसके जो पीछे जो है ना हमें सुबह जो दिख रहा था वो था सनसेट पॉइंट। और क्योंकि जो वहाँ पे उससे हम लोग को डैम दिख रहा था, वो डैम यहाँ पे पास में नज़दीक ही दिख रहा है। और ये है एको पॉइंट। मुझे सच में मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा कि क्या एको पॉइंट। बोलते हैं किस किस का बोलते हैं?
पहली वाली गाने मत आना, दूसरी वाली गाने मत आना। पांच साल हो गए था प्रभा को बोलना जब से। तो इको पॉइंट में कुछ इतना इंटरेस्टिंग लगा नहीं, मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग में जिस जगह पे हम लोग घूमे, मंकी पॉइंट, सनसेट पॉइंट, वो सब अच्छे थे। बाकी उसके बाद तो इतना कुछ खास, एक शार्लोट थोड़ा अच्छा लगा मुझे, बाकी ये एको पॉइंट ठीक है, बट पब्लिक ज्यादा है ना, बॉडी पूरा थक गई है, मेरे शूज ऐसे है ना इतने गंदे हो गए पूरे। ये मेरे न्यू शूज की हालत। अभी हम लोग यहाँ पे एक जगह पे रुके थोड़ा स्नैक्स खाने के लिए। ये बॉडी बहुत ज्यादा पेन कर रही है, मना कर रही है कि हरीश तू व्लॉग मत कर। तो ये था माथेरान का व्लॉग, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप माथेरान जाते हो तो कहीं विजिट करो ना करो, पर सनसेट पॉइंट जरूर विजिट करो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और उस वीडियो को शेयर कर दीजिए।